तो फाइनली आज एक हफ्ता हो चुका है मुझे रियल मी 7 प्रो यूज़ करते करते। इस पर दो वीडियोस डाली थी और अनबॉक्सिंग करने के तुरंत बाद मैंने इसमें अपनी प्राइमरी वे सिम डाल दी थी, तो काफ़ी डीप टेस्टिंग हो चुकी है और आप लोगों के सारे सवाल जो उन दो वीडियोस में पूछे हैं कि 720G वर्थ इट है इस प्राइस में, प्लास्टिक बैग दिया हुआ है वो कैसा है, और इवन डिस्प्ले में कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलती, तो क्या वर्थ इट है इस पर 20,000 रुपये खर्च करना। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा और आप लोगों को एक ऑनेस्ट ओपिनियन मिल जाएगा कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये रहा इसका बिल और इस पे हाथ रख के बोल देता हूँ कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले की, स्पेक्स क्लियर करवा देता हूँ। वाइड वन L1 का सपोर्ट है, HDR10 का भी सपोर्ट है, AMOLED 60Hz मिलती है, 6.4 इंच का पैनल है, काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी अच्छा पैनल यूज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। और इवन इसमें आपको एक थोड़ी सी डिटेल बता दूँ कि इवन ये AMOLED पैनल जो है DC डिमिंग भी इन्होंने सपोर्ट दी है। तो कई बार जो वीडियोज़ में आपको ब्लर देखने को मिलता है, लाइन्स देखने को मिलती है कई AMOLED पैनल्स में, अगर आप उसे ऑन कर दोगे और वीडियो शूट करोगे तो वो लाइन्स आपको इसमें नहीं मिलेंगी। तो छोटी छोटी डिटेल्स डिस्प्ले में डेफिनेटली रियलमी वालों ने ध्यान दिया है, और आप अगर बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करते हो तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्प्ले हो जाएगी जिसपे आप मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60Hz, और मैं इवन रियलमी 7 भी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ये पड़ा, और रियलमी 7 में 90Hz है, इसमें 60Hz है। और अगर आप इस फोन को एक साथ दोनों को यूज़ करोगे तो मैं सच बता दूँ कि 90Hz बस एक गिमिक है, थोड़ा सा सेल करने के लिए फ़ोन। आप अगर AMOLED 60Hz आप यूज़ करना चाहते हो तो डेफिनेटली बेहतर डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करेगी वो 90Hz से, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं रिफ्रेश रेट में। तो अच्छी डिस्प्ले है और आप डेफिनेटली इस पर इंजॉय करोगे, ये डिस्प्ले आपको कोई इशू नहीं देने वाली। अब बात करें अगर इस परफॉर्मेंस की, 720G 20,000 में काफ़ी लोगों के कान खड़े हो गए थे ये सुन के कि सही में यार ये अच्छी चिपसेट है, 730G दे देते तो क्या जाता इन लोगों का। तो सही में ये अच्छी डिस्प्ले है, रियलमी वालों ने काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ की है। पहले बता दूं Realme UI की तारीफ करना चाहता हूं थोड़ी, मैं MIUI 4 साल से यूज़ कर रहा हूं, लेकिन जैसे Realme की UI पे आया और डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट UI लगी मुझे, अब काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर दिया है, कहीं पे भी कोई लैग्स या स्टटर्स नहीं मिलते UI के अंदर। और इवन बता दूं कि कोई ब्लोटवेयर भी नहीं है, सबसे बड़ी बात, सिर्फ 2 ऐप आए थे Realme की तरफ से स्टार्टिंग में जब इसमें फ़ोन खोला, Realme लिंक और Realme स्टोर, जिन्हें दोनों को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन बता दूं कि Realme की यहाँ से थोड़ी सी गलती है कि 20,000 में फिर भी अभी में थोड़ी बहुत एड्स आती हैं जिन्हें आप ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंपटीशन देखो तो Moto Fusion X या Poco X2, ये 2 फोन ऐसे हैं जिसमें कोई भी एड नहीं मिलती। तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए था Realme को कि थोड़ा सा इसे अगर एड ना देते तो एक बेहतर और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता। बाकी जैसे बताया कि कोई स्टेटस या लैग्स नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई हैवी ऐप लॉन्च करोगे तो वो 720G आपको थोड़ा सा दिखेगा कि थोड़ा टाइम लेता है लोड करने में वो हैवी ऐप्स, जैसे बता दूं कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी, ऐसे ऐप्स अगर आप थोड़ा लॉन्च करोगे थोड़ा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन सही में काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज की है। और गेमिंग के दौरान भी आपको कोई इसमें मेजर हीटिंग नहीं मिलेगी, फोन हल्का सा गर्म होता है बस। इवन इतनी फास्ट इसकी चार्जिंग है 65 हर्ट्ज के साथ, वो 65 वॉट के साथ, कि यार इसमें बिल्कुल भी ये फोन गर्म नहीं होता। चार्जर डेफिनेटली गर्म होता है लेकिन ये फ़ोन बिल्कुल गर्म नहीं होता, ये सही में काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड की गई चिपसेट यूज़ की गई है इन लोगों ने। तो सही में 720G मुझे तो बुरा नहीं लगा, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिली। इवन मैंने ट्राई किया कि फ्री फायर भी खेलूं, लेकिन फ्री फायर जैसे ही मैंने डाउनलोड करके खेलने की कोशिश की तो मेरी जुबान से बस एक ही वर्ड निकला, सर ये तो टट्टी है। तो डेफिनेटली ये परफॉर्मेंस में तो आपको कोई इशू नहीं देने वाला, 20,000 में सही परफॉर्मेंस है और बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस है जो इन्होंने दी है। अब बात करें अगर थोड़ी बहुत भी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार एक कमेंट कर देना, क्योंकि YouTube का एक एल्गोरिथम होता है कि जितने आपको ज़्यादा कमेंट मिलेंगे थोड़ा सा वीडियो सर्च में आ जाती है। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या कोई भी कुछ भी कमेंट करना है तो प्लीज़ यार एक कमेंट इस टाइम पे आप जाके कर सकते हैं वीडियो के नीचे। अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की, बहुत लोगों का सवाल है कि यार ये जो है प्लास्टिक बॉडी मिलती है तो ये कैसे निकलने वाली है। तो मैं एक पोको F1 यूज़र हूँ बहुत टाइम से, मैं यहाँ पे अभी तो फ़ोन यहाँ पे पड़ा नहीं है, लेकिन उसमें जो प्लास्टिक यूज़ किया है वो सही में बहुत ज़्यादा चीप लगती है। और जब से ऑर्डर किया था मुझे लगा कि प्लास्टिक बैग दिया है तो वो भी चीप लगेगा, लेकिन नहीं, सही में यार वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल फोन है जो आप यूज कर सकते हो, काफी ज्यादा लाइट वेट है, 182 ग्राम्स का है। तो सही में
इस प्लास्टिक बैग की वजह से काफ़ी ज़्यादा फायदे हुए हैं और प्लास्टिक बैग काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी फील करता है। अगर आप थोड़ा सा हल्का सा अच्छा कवर लगा लोगे, टेम्पर्ड ग्लास लगा लोगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको 2-3 साल तक कोई बिल्ड की वजह से आपको इशू देने वाला है ये फ़ोन। बस एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसके जो बटन्स हैं ना यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर, वो हल्का सा आगे पीछे हिलते हैं तो इतना थोड़ा प्रीमियम फील नहीं देते वो। बाकी पूरा बिल्ड और ऐसी कोई मुझे मेजर इशू नहीं मिला और काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी स्लिम है ये फ़ोन, तो डेफिनेटली वन ऑफ द कम्फर्टेबल फ़ोन हो जाता है। अब कैमरे की तरफ या कुछ और मेजर बातें करने से पहले मैं थोड़ी बहुत छोटी बातें भी करना चाहता हूँ। इसमें फ़ोन में वाइब्रेशन मोटर बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन फीडबैक मिलता है इसमें। जब भी आप कुछ टाइप करोगे तो काफ़ी अच्छी मोटर यूज़ की गई है यहाँ पे। इवन स्पीकर इसके बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं। इसमें जो ईयर पीस है वो भी एक स्पीकर की तरह काम करता है, तो वन ऑफ द लाउडेस्ट स्पीकर मैंने इसमें इस प्राइस में डेफिनेटली इनके हो जाते हैं। और एक बात और बता दूं कि इसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्यूरेट है, काफ़ी फास्ट है। अभी तक तो मुझे एक भी बार इसने इशू नहीं दिया जब भी मैंने इसे खोलने की कोशिश की है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं ज़रूर कवर करना चाहता था कि आप लोगों को पता चल जाए कि यार रियलमी ने हल्की हल्की छोटी छोटी डिटेल्स में भी अच्छा काम किया है। यहाँ पे बैटरी की बात करें तो मैक्सिमम मैं हैवी यूज़र हूँ, गेमिंग डेली करता था मैं इस पर, तो डेफिनेटली बस एक दिन निकलता है मेरा। अगर आप हैवी यूजर नहीं है तो हो सकता है आपका 1.5 दिन निकल जाए, लेकिन एक दिन आपका डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैक्सिमम निकलेगा। और उस चीज़ को ये कंपेंसेट कर देता है, इतना काफ़ी फास्ट चार्जर दिया गया है। और अगर जब आप इस चार्जर को यूज़ करना शुरू कर दोगे ना, तो दूसरे चार्जर पर जब आप शिफ्ट होगे तो आप नहीं हो पाओगे शिफ्ट और वापस इस चार्जर पे आना पड़ेगा, इतना फास्ट है ये फ़ोन। तो सही में बैटरी के इस रिलेटेड तो मुझे नहीं लगता कि आप 10 मिनट बस चार्ज लगाओ और फ़ोन आपका 50% से ऊपर हो जाता है, मतलब 40% से डेफिनेटली ऊपर हो जाता है। अब बात करें कैमरे की, जो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी शिकायत है कि यार ये 2-2 मेगापिक्सल के जो कैमरे ऐड करते हैं और 8 मेगापिक्सल का जो वाइड एंगल कैमरा है वो बिल्कुल भी ओके ही है। आपको कई बार तो इवन गुड लाइटिंग कंडीशंस में ये 3 सेंसर जो है काफ़ी ख़राब क्वालिटी की फोटोज़ दे जाते हैं। वैसे माइक्रो डेप्थ सेंसर का तो कोई काम नहीं है, लेकिन माइक्रो सेंसर और जो वाइड एंगल कैमरा है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फोटोज नहीं देता, बट मेन सेंसर जो है वो हर बार काफ़ी अच्छा काम करता है। बता दो कि पोको X2 इस टाइम पे सबसे बेस्ट बताया था कैमरे में और ये बिल्कुल उसके क्लोज चल जाता है, काफ़ी अच्छी डिटेल्स, उससे ज़्यादा मुझे लगा कि डिटेल्स आती हैं इसमें। एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन रखता है। बस एक इशू मुझे लगा इसके फोटोज़ में जो मेन सेंसर में कि यार ये थोड़ा सा ओवर सैचुरेट हो जाती है फोटो। हो सकता है रियलमी वाले थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू फिक्स कर दें, क्योंकि मैंने कोई क्रोमा बूस्ट या कुछ भी यूज़ नहीं किया था। थोड़े से अननेचुरल हो जाते हैं कलर्स इसमें, तो कई लोगों को हो सकता है वो कलर्स पसंद हैं वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड टाइप्स के, लेकिन कई लोगों को वो मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों को डेफिनेटली वो पसंद नहीं आएंगे, थोड़ा सा अननेचुरल हो जाते हैं कलर्स। बाकी हो सकता है ये जल्द फिक्स हो जाए सॉफ्टवेयर अपडेट से। सामने वाले कैमरे की बात करें जो है 32 मेगापिक्सल का काफ़ी बड़ा सेंसर है, लेकिन ये लो लाइट कंडीशंस में और इवन थोड़ी नॉर्मल कंडीशंस में काफ़ी नॉइज दे जाता है। काफ़ी डिटेल्स तो आती हैं, मैं 2 फोटोज़ आपको कंपेयर करवाना चाहता हूँ। पहली जो बहुत अच्छी गुड लाइटिंग कंडीशंस में, तो आप डिटेल्स देखिए कि कितनी अच्छी डिटेल्स आई हैं, काफ़ी क्रिस्प अच्छी सेल्फी आती है। लेकिन अगर बात करें हल्का सा ही रूम में कोई लाइट नहीं जगाओगे, दिन का माहौल था उसमें, लेकिन हल्का सा ही आप देखोगे तो कॉर्नर्स पे साइड्स आपको नॉइज दिख जाएगी। हो सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स हो जाए, लेकिन फिलहाल तो सेल्फी में हल्की आपको हल्का सा भी अगर थोड़ी लो लाइट में आप चले जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज मिलती है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली रियलमी वालों ने कॉस्ट कटिंग की है थोड़ी बहुत, लेकिन सही में एक हल्की जो सिंपल चीज़ें रखी हैं इसमें, वो सारी चीज़ें एक मिलकर एक अच्छा एक कंप्लीट पैकेज बना देती हैं। 720G इज़ प्रीटी पावरफुल, काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइज़ की है, बिल्ड काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक बिल्कुल चीप क्वालिटी का नहीं लगता और वन ऑफ द कंफर्टेबल फोन आप कहोगे अगर आप इसे यूज़ करना शुरू करोगे। डिस्प्ले में जो पैनल किया है, एमोलेड पैनल जो यूज़ किया है, उसमें सारी चीज़ें जो एमोलेड में मिलनी चाहिए वो सारी इन लोगों ने ध्यान दी है और सारी चीज़ें वो करके दिखाता है। इतना फास्ट चार्जर 65 वॉट दिया है, तो डेफिनेटली मैं ये फ़ोन आपको 20,000 में आपको रिकमेंड कर सकता हूँ और आप लोग 20,000 में इस पे डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और इस तरीके से ऑनेस्ट रिव्यूज़ जो सारी कमियाँ उसके साथ चलते चले जाते हैं, ऐसे और रिव्यूज़ में बहुत सारे लेके आता रहता हूँ फोन्स के लिए, काफ़ी गैजेट्स के लिए। तो ऑनेस्ट रिव्यूज़ देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो जरूर कमेंट करके जाना। लव फॉर ऑल।